प्यार भरी शरारत, प्यार भरी नोकझोंक अगर कोई कर सकता है तो वो है अभी और प्रज्ञा। अब देखो ना, एक बार फिर से दोनों की लड़ाई शुरू हो गई है। अब भाई अभी मरता क्या ना करता और दिखा दी प्रज्ञा को अपनी गुंडागर्दी। अरे काहे अपना खून गरम कर रहे हो अभी भाई, तनिक रिलैक्स हो जाओ हमरे जैसे। चले चलते हैं कुमकुम भाग्य के सेट पर, देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। सास बहू और सीरियल की गड्डी आ चुकी है कुमकुम भाग्य के सेट पर। हाँ, अभी दिखा रहे हैं अपनी गुंडागर्दी, वो भी अपनी एक्स वाइफ प्रज्ञा पर। अरे अरे, ऐसी क्या नौबत आ गई कि अभी प्रज्ञा पर यू टॉर्चर कर रहा है। दरअसल मामला ये है कि अभी जनाब प्रज्ञा से हो गए हैं काफी परेशान। प्रज्ञा बन गई है जासूस, अभी की हर एक हरकत पर प्रज्ञा की रहती है नजर। मैं जो पुराना सामान है उसे निकाल के फेंक रहा हूँ। तुम्हारी एक्सपायरी को अभी 2-3 दिन बचे हुए हैं, वो जो पुराना कबर्ड है ना उसको निकाल के फेंक रहा हूँ, उसके बदले में नया कबर्ड है। लेकिन नया कबर्ड आप रखेंगे कहाँ, जगह कहाँ है? अरे पुराना कबर्ड निकलेगा तो नए कबर्ड की अपने आप जगह बन जाएगी ना। उसे निकालने की जरूरत क्या, वो ठीक तो है। अरे तुम्हारे लिए ठीक होगा, मेरे लिए ठीक नहीं है। देखो मैं पुरानी चीजों से बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, इसलिए आज कबर्ड निकला है, कल सोफा निकलेगा, परसों बेड। और बस फिर क्या, अभी ने फर्नीचर चेंज करवाने का मूड बनाया है और इस काम में प्रज्ञा बन रही है रुकावट। तो यहाँ हो रही थोड़ी मस्ती थोड़ी शरारत। अभी प्रज्ञा की नोकझोंक तो ठीक है, लेकिन ये क्या, प्रज्ञा को अभी ने रूम में ही लॉक कर दिया। अरे वेरी गुड, तो नीचे मैं इंतजार करो, आकर देता हूँ ना 25 करोड़ रुपए। हाँ जी सर, चलो। क्या क्या उड़ता हुआ खबर, उड़ता हुआ खबर? हाँ देखो। लेकिन जैसे तैसे प्रज्ञा बाहर आई, फिर से करने लगी अभी की जासूसी। जहां अभी कर रहे हैं किसी पेपर को अपने नाम। कुमकुम भाग्य में थोड़ा सा ट्विस्ट का मसाला तो लग गया है, लेकिन प्रज्ञा की जासूसी और अभी की शरारत क्यों हो रही है इस सीरियल में जल्द ही पता चल जाएगा। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस।